सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ ये घंटी भी दबा दिएगा ताकि नई कंपैरिजन की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बजट मोबाइल्स। एक मोबाइल है रेडमी की तरफ से, रेडमी का नोट 7S, और दूसरी तरफ है सैमसंग गैलेक्सी A10S जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है सैमसंग की तरफ से। इन दोनों ही मोबाइल्स की कीमत है 10,000 के आसपास। सैमसंग आपको मिल जाएगा ऑनलाइन 9,500 में और रेडमी का नोट 7S 10,000 में। तो अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, आपका बजट है 10,000 के आसपास, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा रहेगा। चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग रेडमी नोट 7S की। देखते हैं अगर आप 10,000 रुपये खर्च करते हैं तो रेडमी के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले ये मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें अंदर की तरफ लगा हुआ मिलता है सिम इजेक्टर टूल और रखे हुए मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। इसके बाद आपको मिलता है कवर। कवर की क्वालिटी आपको इस मोबाइल के साथ नॉर्मल ही मिलती है। बाकी इस मोबाइल के डिस्प्ले पे आपको स्क्रीन गार्ड पहले से लगा हुआ नहीं मिलता। इसके बाद आपको रखा हुआ मिलता है मोबाइल। मेरे पास ये ब्लू कलर में है, इसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल। इस डेटा केबल की लेंथ क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी है, तो क्वालिटी में तो डेटा केबल बढ़िया ही है। इसी के साथ इस मोबाइल के साथ आपको ये टाइप सी केबल मिलती है। तो रेडमी के नोट 7S में आपको टाइप सी केबल का सपोर्ट मिलता है, ये इसमें खूबी है। इसके बाद आपको रखा हुआ मिलता है ये ब्लैक कलर के अंदर चार्जर, काफ़ी छोटा सा, जिसकी बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। और इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5V 2A का ही। तो इस मोबाइल के अंदर आपको फास्ट चार्जर तो नहीं मिलता, लेकिन इस मोबाइल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो आप मार्केट से खरीद के एक फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारा सामान आपको मिलता है 10,000 में रेडमी के नोट 7S के साथ। चलिए देखते हैं अगर आप 500 रुपये और कम खर्च करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A10S के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A10S को, इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है ये मिनी बॉक्स ही, जिसमें अंदर रखे हुए मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। कवर आपको इस मोबाइल के साथ नहीं मिलता, ये इसके अंदर कमी है। ना ही इसके डिस्प्ले पे भी आपको स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिलता। बाद में रखा हुआ मिलता है मोबाइल, जिसका डिटेल हम अभी देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल। दोस्तों इस डेटा केबल की लेंथ क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी हैं, लेकिन कमी यह है इसके अंदर आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती। तो इस चीज़ के अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया मिलता है रेडमी का नोट 7S, क्योंकि उसके अंदर आपको टाइप सी केबल का सपोर्ट मिलता है। इसके बाद आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर के अंदर चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी आपको और भी ज़्यादा बढ़िया मिलती है रेडमी के चार्जर से। और इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5V 1.5A का ही। तो ज़्यादा बढ़िया चार्जर आपको मिलता है रेडमी के नोट 7S के साथ, और इस मोबाइल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी नहीं मिलता। तो आप मार्केट से भी खरीद के एक फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ज़्यादा अच्छा सामान आपको मिलता है रेडमी के नोट 7S के साथ सैमसंग गैलेक्सी A10S से। आखिर में ये सिम इजेक्टर टूल लगा हुआ मिलता है कुछ इस तरीके के लुक में। चलिए बात कर लेते हैं अब सबसे मेन चीज़ इन दोनों मोबाइल्स के डिज़ाइन के बारे में। तो इन दोनों ही मोबाइल्स में आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन मिलता है। आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन दोनों मोबाइल्स के बैक पैनल पर बहुत अच्छी लग रही है। तो डिज़ाइन में तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा आपको बढ़िया मिलता है रेडमी का नोट 7S, क्योंकि रेडमी के नोट 7S में आपको गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ मिलता है। तो क्वालिटी के अंदर रेडमी नोट 7S ज़्यादा अच्छा है, वैसे डिज़ाइन में देखने में दोनों अच्छे हैं। बात करें कैमरे के बारे में, तो सैमसंग के अंदर आपको पीछे दो कैमरे मिलते हैं, जिसमें पहला है 13 MP का, दूसरा कैमरा है 2 MP का। कैमरे की परफॉर्मेंस इस मोबाइल के अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल ही मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रेडमी के नोट 7S में भी आपको पीछे दो ही कैमरे मिलते हैं, जिसमें पहला है 48 MP का, दूसरा 5 MP का। इसका जो 48 MP का कैमरा है दोस्तों, वो प्रो मोड के अंदर ही काम करता है, लेकिन फिर भी जो आपको पोर्ट्रेट मोड की परफॉर्मेंस मिलती है दोनों मोबाइल्स में, वो ज़्यादा बढ़िया मिलती है आपको रेडमी के नोट 7S के अंदर। कैमरे के अंदर रेडमी नोट 7S और ज़्यादा अच्छा है सैमसंग से। बाकी रेडमी के नोट 7S में आपको ग्लास लुक मिलता है, तो इस पर स्क्रैचेस तो बहुत कम देखने को मिलते हैं सैमसंग के मुकाबले में, लेकिन इसके गिरने के बाद टूटने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो रेडमी के नोट 7S में आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.3 इंचेस का, और सैमसंग के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है 6.2 इंचेस की। तो डिस्प्ले साइज में तो हल्का सा ही फर्क है, रेडमी नोट 7S आपको थोड़ा सा और बड़ा मिलता है, लेकिन डिस्प्ले साइज में दोनों अच्छे हैं। लेकिन सैमसंग के अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है TFT डिस्प्ले, और रेडमी के नोट 7S में आपको डिस्प्ले मिलती है IPS डिस्प्ले। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको ज़्यादा बढ़िया मिलती है रेडमी नोट 7S में। बात करें यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो रेडमी के नोट 7S में आपको स्क्रीन पे ही सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, और सैमसंग के अंदर आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अब इस चीज़ में सैमसंग का मोबाइल ज़्यादा बढ़िया है रेडमी नोट 7S से। यूज़र इंटरफेस के अंदर सैमसंग का मोबाइल बहुत ज़्यादा बढ़िया है रेडमी से। इसके अंदर यूज़र इंटरफेस आपको बहुत अच्छा मिलता है, बहुत स्मूथ, तो चलाने में ये मोबाइल ज़्यादा बढ़िया लगता है। बाकी इन दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले में आपको एक नॉच मिलती है, जो ज़्यादा बढ़िया लगती है सैमसंग की। इस मोबाइल की डिस्प्ले की नॉच ज़्यादा अच्छी लग रही है रेडमी नोट 7S से। डिस्प्ले के अंदर जो आपको एजेस बेजल्स मिलते हैं, वो दोनों ही डिस्प्ले के अंदर आपको लगभग बराबर ही मिलते हैं, हल्का सा ही फर्क है। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर जो आपको कलर्स मिलते हैं, TFT डिस्प्ले होने के बाद भी आपको सैमसंग के डिस्प्ले में भी बहुत अच्छे कलर्स मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया कलर्स आपको रेडमी नोट 7S के डिस्प्ले में ही मिलते हैं।
लेफ्ट साइड पर आपको सिम की ट्रे दी गई है। रेडमी के नोट 7S में सबसे बड़ी कमी ये है, इसके अंदर आप दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते, लेकिन सैमसंग के अंदर आप तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। इस चीज़ में सैमसंग अच्छा है। नीचे की तरफ दोनों मोबाइल्स में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक दिया गया है। हेडफोन जैक आपको सैमसंग में नीचे की तरफ मिलता है, रेडमी के अंदर ऊपर की तरफ। रेडमी के नोट 7S में आपको ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर भी मिलता है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है, तो TV वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं, ये इसमें ज़्यादा खूबी है। इसके अलावा इन दोनों ही मोबाइल्स में आपको मिलती है 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन सैमसंग में मिलती है 2 GB की रैम और Redmi Note 7S में मिलती है 3 GB की रैम। Redmi के अंदर आपको 32 GB में से मिलती है 21 GB के आसपास और Samsung में मिलती है 23 GB के आसपास, तो 2.5 GB का फर्क है तकरीबन, आपको ज़्यादा मिलती है Samsung के अंदर। इस चीज़ में Samsung ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको Android का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, Android Pie। इस चीज़ में दोनों अच्छे हैं। इसके अलावा बात करें बैटरी के बारे में, तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4000 mAh की। एक दिन का बैटरी बैकअप इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको आराम से मिल जाता है। बैटरी में दोनों अच्छे हैं। लेकिन बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो सैमसंग गैलेक्सी A10s में आपको मिलता है MediaTek का P22 प्रोसेसर और रेडमी के नोट 7s में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर। तो ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर आपको मिलता है रेडमी नोट 7s के अंदर सैमसंग से। प्रोसेसर में रेडमी ज़्यादा बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं आप सबसे मेन चीज़ आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं। देखिए रेट के अंदर तो इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं है, सिर्फ 500 का ही फर्क है। तो सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपको किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, सैमसंग पे या फिर रेडमी पे। इसके बाद आपकी मेन जरूरत की चीज़ किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए अगर आपके लिए कैमरा मैटर करता है, आपको कैमरा अच्छा चाहिए, तो इन दोनों मोबाइल्स में आप रेडमी नोट 7S ले लीजिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का यूज़ इंटरफेस, तो यूज़ इंटरफेस आपको ज़्यादा अच्छा सैमसंग के अंदर ही मिलता है। अंदर से जो आपको फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो चलाने में यूज़ करने में सैमसंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है रेडमी से। इस चीज़ में सैमसंग ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके लिए यूज़ इंटरफेस मैटर करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप सैमसंग ही लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल के प्रोसेसर की, अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, आपको गेम वगैरह खेलने हैं, तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर रेडमी में ही मिलता है, आप रेडमी नोट 7S ही लीजिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपकी मेन ज़रूरत है मोबाइल की बैटरी की, तो बैटरी में दोनों अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी खरीद सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर वैसे दोनों अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको रेडमी नोट 7S में ही मिलती है। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ मिलता है। फिर भी आप इन दोनों मोबाइल्स में से कोई सा भी खरीदते हैं, तो बिना कवर के यूज़ मत करिएगा, क्योंकि सैमसंग में स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं और गिरने के बाद टूटने के नोट 7S के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बिना कवर के आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ मत करिएगा। तो दो खूबियाँ सैमसंग के अंदर बहुत अच्छी हैं, एक तो इसका यूज़ इंटरफेस, दूसरी इसकी बैटरी। अगर आपके लिए ये दो चीज़ें मैटर करती हैं, तो आप सैमसंग ले लीजिएगा, ये मोबाइल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी ज़्यादातर चीज़ों में आपको रेडमी का नोट 7S ही ज़्यादा अच्छा मिलता है सैमसंग से, अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी के लिए, डिज़ाइन के लिए, बैटरी के लिए, प्रोसेसर के लिए और कैमरे के लिए। रेडमी नोट 7S काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादातर चीज़ों में आपको रेडमी नोट 7S ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये सारी खूबियाँ और कमियाँ आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। अब आप मुझे बताइएगा आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे लिए यूज़ इंटरफेस मैटर करता है, तो मुझे सैमसंग थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया, आप मुझे बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिएगा, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दिएगा, ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।